नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ गैप चेक जिस तरीके से शेल्फ अवेलेबिलिटी की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिल्कुल ऑपोजिट गैप चेक की कैलकुलेशन भी है कुछ रिटेलर ऐसे हैं जो कि शेल्फ अवेलेबिलिटी अप्रोच को फॉलो करते हैं और वो शेल्फ़ अवेलेबिलिटी का एनालिसिस कर रहे होते हैं जबकि कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि गैप चेक एनालिसिस को कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स गैप चेक एनालिसिस भी उसी पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है उसको फाइंड आउट करता है कि कितना गैप मौजूद है प्लान और एक्चुअल के अंदर इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आपसे तो गैप चेक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लान कितने आर्टिकल्स थे जो शेल्फ के ऊपर प्लान थे माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन शेल्फ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लान ऑन शेल्फ मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड फार्मूला हमारे पास है यह फार्मूला बताएगा आपको कि शेल्फ के ऊपर क्या प्लान था और उसमें कितना गैप है तो यह अवेलेबिलिटी को नहीं इंश्योर कर रहा है क्योंकि वो शेल्फ अवेलेबिलिटी का फार्मूला डिफरेंट था यह फार्मूला बताएगा इंश्योर करेगा कि हाउ मच इज दी गैप अवेलेबल एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं एक स्टोर हैव प्लान टू प्लेस आर्टिकल्स ऑन शेल्फ एंड है ओनली थर्टीन आर्टिकल्स आर अवेलेबल ऑन शेल्फ एग्जाम्पल को फिफ्टीन आर्टिकल्स हैं जो प्लान हैं थर्टीन आर्टिकल्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इस कैलकुलेशन को डालता हूँ सो फिफ्टीन आर्टिकल प्लान माइनसलबल ऑन शेल्फ डिड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लानीन तो फिफ्टीन माइनस थर्टीन डिवाइड बाई फिफ्टीन हमारे पास जो आउटकम आ रहा है थर्टीन पॉइंट थ्री ज़ीरो परसेंट का ये गैप चेक की परसेंटेज है तो गैप चेक परसेंटेज ये बताता है कि आपका गैप कितना है जिस तरीके से रिटेलर शेल्फ अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने की बात करता है इंक्रीज करता है कि वो किस तरीके से 86 परसेंट को 90 परसेंट या 95 परसेंट या 100 परसेंट प्लान करे इसी तरीके से रिटेलर गैप चेक को रिड्यूस करने की कोशिश करता है अगर गैप चेक अभी 13 परसेंट आ रहा है तो वो सोचेगा कैसे ये गैप चेक वो ज़ीरो परसेंट पर ले आए यानी कि जो जितनी प्रोडक्ट्स प्लान्ड हो उतनी ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो ओवर द शेल्फ तो रिटेलर का टारगेट क्या है उसका टारगेट ये है कि उसने गैप चेक को जीरो परसेंट इंश्योर करना है और गैप चेक नॉर्मली डेप्थ पे जाके होता है आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सी प्रोडक्ट किस जगह किस शेल्फ़ के ऊपर ऐसी है जो कि अवेलेबल नहीं है और फिर कैलकुलेट किया जाता है कि ये गैप चेक कितने अरसे से है लेट्स से दिस गैप इज फ्रॉम द लास्ट वन डे दिस गैप इज फ्रॉम द लास्ट वन मंथ दिस गैप इज फ्रॉम द लास्ट लेट्स से थ्री मंथ्स और सिक्स मंथ्स और वन ईयर अगर एक प्रोडक्ट शेल्फ के ऊपर गैप में मुसलसल अपीयर हो रही है फॉर अ पीरियड ऑफ लेट से टू वीक्स तो रिटेलर फॉरन उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर कोई ना कोई चीज़ प्लान करता है या तो उसके डिस्प्ले को एडजस्ट करता है शेल्फ के ऊपर फेसिंग्स को चेंज करता है या इंश्योर करता है कि वो प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से शेल्फ के ऊपर अवेलेबल हो जाए और अगर वो प्रोडक्ट शेल्फ के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी तो अल्टीमेटली रिटेल की स्टोर का गैप चेक बिल्कुल जो मिनिमम लेवल के ऊपर चला जाएगा रिटेलर का टारगेट जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो ये है कि गैप चेक की परसेंटेज बिल्कुल जीरो आए विच मींस जितने आर्टिकल्स प्लैंड हैं उतने ही आर्टिकल्स एक्चुअली शेल्फ के ऊपर अवेलेबल हों और अगर ये होंगे सो रिटेल का गैप चेक जो है वो मिनिमम होगा रिटेलर या तो शेल्फ़ अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं या गैप चेक को कैलकुलेट करते हैं दोनों अप्रोचेस इक्वली एक्सेप्टेबल हैं रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आपके साथ दोनों शेयर इसलिए की हैं ताकि आपके नॉलेज में बेशक वो गैप चेक हो या बेशक वो शेल्फ़ अवेलेबिलिटी हो दोनों कैलकुलेट करके यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि किस तरीके से बिज़नेस के गैप को इम्प्रूव किया जा सकता है गैप को मिनिमाइज किया जा सकता है और उसकी बिज़नेस रेवेन्यू को इंक्रीस किया जा सकता है